हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फेवर डिफिकल्ट लगता है? अब मैक्सिमम लोग बोलेंगे हाँ सर, वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, हमें फेमा बहुत डिफिकल्ट लगता है, फेमा समझने में बहुत परेशानी होती है, अच्छे से हमें इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आता कि अलग अलग वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो डोंट वरी, क्योंकि मैं जब फेमा का टॉपिक कंप्लीट करूँगा ना, तब तक फेमा को लेकर जितने भी डाउट्स आपके माइंड में हैं, सारे आपके डाउट्स, सारे आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रॉमिस के साथ मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको फेमा रिलेटेड कोई भी, नॉट इवन ए सिंगल प्रॉब्लम यू विल फेस आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स, ये मेरी आपको अश्योरिटी है। एंड इसी अश्योरिटी के साथ एक बार ऊपर वाले का नाम लेकर और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फेमा। फेमा के इंट्रोडक्शन को जानते हैं और साथ ही साथ फेमा के बैकग्राउंड को भी समझते हैं कि दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की शुरुआत कैसे हुई, राइट? तो उसको समझते हैं नाउ। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फेमा की। फेमा की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर मैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करूँ, मैं लॉस की बात करूँ, वैसे फेमा की जो इनफॉर्मल एक स्टार्ट हुई थी ना, इनफॉर्मल स्टार्ट, वो इंडिया के आज़ाद होने से पहले ही हो गई थी। हाँ, जब डिफेंस को लेकर कुछ लॉज बनाए गए थे जिसमें कि फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया गया था, तो वो स्टार्ट थी जो कि एक इनफॉर्मल स्टार्ट थी। फेमा को लेकर फॉर्मल जो पहली बार लॉ आया वो आया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो पहला लॉ आया था, फेमा तो बाद में आया, लेकिन पहला जो लॉ आया दैट वॉज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1947 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इट वॉज बेसिकली ए टेम्प्रेरी स्टैट्यूट, राइट? वो परमानेंट स्टैट्यूट नहीं था, 10 सालों के लिए उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि 1947 से लेकर 1957। लेकिन फिर 1957 में ना इसको फिर परमानेंट कर दिया गया। 1957 में इट बिकेम ए परमानेंट स्टैट्यूट। तो ये बना एक परमानेंट स्टैट्यूट, दैट टू इन द ईयर 1957। तो तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्या हुआ? देखो, उसके बाद क्या हुआ, 1947 वाला लॉ चलता गया, लेकिन 1947 वाले लॉ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि 1947 वाले लॉ में प्रॉब्लम्स क्या थी, अभी उनकी मैं बात करूँगा। देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब इंडिया के सामने जो सबसे बड़ा इशू था, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो कि इंडियन गवर्नमेंट तब फेस कर रही थी, वो चैलेंज था कि किसी भी तरीके से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है उसको प्रमोट करना है। किसको प्रमोट करना है? फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को प्रमोट करना है। देखो, हमारी कंट्री जितना इंपोर्ट करती है उससे कहीं कम हमारा एक्सपोर्ट है, तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक तरीके से नेगेटिव है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और जिन चीज़ों को हम इंपोर्ट करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉमोडिटी है दैट इज़ पेट्रोल। तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट करते हैं, उनको इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या पे करना होता है? जब उन प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे मैं बात करूं पेट्रोल की, तो पेट्रोल को इंपोर्ट करने के बदले में हमें पे करना होता है उनको पेमेंट। तो हम जब उनको पेमेंट करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं अरेबियन कंट्रीज़ की, लेट्स से इंडिया यूएई से पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करता है, तो यूएई से पेट्रोल इंपोर्ट करने के बाद इंडिया को जो उसे पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट करना पड़ता है डॉलर की फॉर्म में। किस में पे करना पड़ता है? डॉलर की फॉर्म में। अब प्रॉब्लम ये है कि डॉलर जो है दैट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी। डॉलर एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कंट्री है, रुपया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री की, हमारे देश की जो करेंसी है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। ये बात अलग है कि कुछ टाइम पहले
इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अरेबियन कंट्री से ऐसा एक एग्रीमेंट किया है जिसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट जो करेगी उन कंट्रीज़ को जो पेमेंट करेगी वो इंडियन रुपीज़ में पेमेंट होगा। लेकिन ऐसा सारी कंट्रीज़ के साथ में नहीं है, ऐसा सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के साथ अब जाकर इंडिया ने ऐसा एग्रीमेंट एक किया है। तो ये एक इनिशिएटिव हुआ है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको पेमेंट करेंगे रुपए के फॉर्म में। लेकिन व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज़? अगर अदर कंट्रीज़ से हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, हमें उन्हें जब पेमेंट करना होता है वो पेमेंट होता है कौन सी फॉर्म में? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी की फॉर्म में करना होता है। डॉलर चाहिए होता है, पाउंड चाहिए होता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि अगर किसी इंडियन सिटीज़न को इंडिया के बाहर ट्रैवल करना है, लेट्स से मुझे इंडिया के बाहर ट्रैवल करना है, तो देखो जब मैं आपको अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैं दुबई गया हुआ था तो दुबई में वहाँ इंडियन करेंसी को वो फ्रीली एक्सेप्ट नहीं करते। दुबई में आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो वहाँ अगर आप इंडियन करेंसी की फॉर्म में पेमेंट करोगे तो बोलेंगे नो, इंडियन करेंसी नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन अगर आपके पास में US की करेंसी है, अगर आपके पास में डॉलर है, तो वो उसको फ्रीली एक्सेप्ट कर लेंगे। या तो आपके पास दुबई की करेंसी हो या फिर आपके पास में डॉलर हो, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर मुझे इंडिया के बाहर कहीं ट्रैवल करना है, मुझे इंडिया के बाहर कहीं जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे या तो उस कंट्री की करेंसी को कैरी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी को अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा उस कंट्री में सर्वाइवल कैसे होगा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ में हुआ जब मैं सिंगापुर गया। तो जब मैं सिंगापुर गया तो वहां भी मैंने देखा कि सिंगापुर डॉलर रिक्वायर्ड है। मैं सिंगापुर डॉलर अपने साथ लेकर गया था सिंगापुर, लेकिन वहां मैंने क्या देखा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, लेट्स से मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, तो सिंगापुर के मैकडॉनल्ड्स में US का जो डॉलर है, US की जो करेंसी है, वो तो फ्रीली एक्सेप्ट हो रहा था। US डॉलर फ्रीली एक्सेप्टेड था। और अगर आप इंडियन हो तो यू कैन नॉट ऑफर रुपीज, आप गांधी जी की फोटो वाला नोट जो है आप वो ऑफर नहीं कर सकते। गांधी जी की रिस्पेक्ट तो बहुत है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लेकिन जब बात आती है ना नोट के ऊपर, उनकी जब फोटो की बात आती है, तो वो सिर्फ इंडिया में ही एक्सेप्टेड है, इंडिया के बाहर एक्सेप्टेड नहीं है। मैं नेपाल भूटान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप नेपाल में जाकर इंडियन करेंसी दोगे तो वहाँ फ्रीली एक्सेप्टेड है, नेपाल में फ्रीली एक्सेप्टेड है, वहाँ वो अलग एक एस्पेक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जिन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जिन कंट्रीज से इंडिया इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करती है, उन कंट्रीज़ में इंडियन करेंसी फ्रीली एक्सेप्टेड नहीं है। और यही रीज़न है कि हमें हमारी इम्पोर्ट, जिन चीज़ों को हम इम्पोर्ट करते हैं, जिन कॉमोडिटीज़ का, जिन गुड्स का, सर्विसेज का इम्पोर्ट करते हैं, उनकी पेमेंट करने के लिए हमें इंटरनेशनल करेंसी का रिज़र्व चाहिए। और इंटरनेशनल करेंसी का रिजर्व हमारे पास में तब आएगा जब हम उन्हें कोई सर्विसेज देंगे, हम उन्हें कोई गुड सेल करेंगे, या इंडियन कोई पर्सन जाकर किसी फॉरेन कंट्री में जॉब करेगा और जॉब करके वो फॉरेन करेंसी में अर्न करेगा और इंडिया फॉरेन करेंसी आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देखो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जज करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को जज करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं। और तब जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली थी, तब इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किसी भी तरीके से हमें हमारे फॉरेन रिजर्व्स को इंक्रीज करना है, फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सोच थी गवर्नमेंट की। तो उस टाइम का जो लॉ था, फेरा, जो 1947 में था, इट वॉज वेरी कंजर्वेटिव लॉ, वो बहुत कंजर्वेटिव सोच का लॉ था, ठीक है। और उसमें ये ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती थी कि इंडिया के लोग ये बोलें कि हमें आप फॉरेन करेंसी दे दो। तो फॉरेन करेंसी विड्रॉल के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। तो 1947 में वो बन गया एक परमानेंट स्टैट्यूट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फेरा जो 1947 वाला था, उसको फिर रिप्लेस किया फेरा 1973 ने। किसने रिप्लेस किया? उसको फिर रिप्लेस किया फेरा 1973। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1974 से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था हमारी कंट्री में। डेट क्या थी इसकी? 1 जनवरी 1974। फेरा 1947 के जो प्रोविजंस थे उनमें चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस फेरा ने इंट्रोड्यूस किए 1973 वाले लॉ ने। और इसी के साथ
इसी के साथ बनाई गई ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इंडिया में है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसकी शुरुआत हुई फेरा 1973 से, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, जो कि 1 जनवरी 1974 से एप्लीकेबल हुआ था हमारी कंट्री में। और इस लॉ के इंट्रोड्यूस होने के बाद एक कंट्रोवर्सी हुई थी। इस लॉ के इंट्रोड्यूस होने से ही एक कंट्रोवर्सी इंट्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से कोका कोला ने इंडिया में अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया था। कोका कोला इंडिया छोड़ के चली गई थी। उसका रीजन था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, क्योंकि इस एक्ट में जो प्रोविजंस क्रिएट किए गए थे फॉरेन एंटिटीज के लिए, कि अगर फॉरेन एंटिटीज इंडिया में काम करेंगी तो उनकी कितनी इक्विटी ओनरशिप इंडियंस के पास में होनी चाहिए, कितनी फॉरेन एंटिटी के पास में होनी चाहिए, तो ओनरशिप को लेकर जो प्रोविजंस थे, उसकी वजह से कोका कोला ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो इस एक्ट के बाद कोका कोला लेफ्ट अवर कंट्री। बाद में कोका कोला दोबारा आई और इंडिया में अपने ऑपरेशंस को एक बार फिर से स्टार्ट किया, वो एक अलग बात है। तो फेरा 1973 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब थे? जब फेमा इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो 1 जून विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000। 1973 वाला लॉ कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1973 वाला लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन 1 जनवरी 1974। एंड फेमा 1989 वॉज एप्लीकेबल, या हम कह सकते हैं इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जून 2000। बट अब जरा एक कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी ये करते हैं कि जब फेरा 1973 ऑलरेडी था, तो क्यों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फेमा के लिए फेरा को चेंज करके उसकी जगह फेमा को इंट्रोड्यूस करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज का 1973 का लॉ जब पहले से एग्जिस्टिंग था, तो गवर्नमेंट ने क्यों डिसाइड किया कि पुराने वाले लॉ को हटाकर नया लॉ इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है? एक तो इसका बहुत बड़ा रीजन बना कि जब एलपीजी पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी, इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिया के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, एंड लेट श्री नरसिंगा राव जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में। तो वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे ना, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में गवर्नमेंट ने बेसिकली फॉरेन एंटिटीज़ के लिए इंडिया में काम करने के रास्ते ओपन कर दिए थे। इंडिया में काम करने के लिए लॉज को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया था गवर्नमेंट ने। तो जब फॉरेन की कोई एंटिटी आकर इंडिया में काम कर रही है या काम करना चाहती है, जब इंडियन कंपनीज फॉरेन में जाकर काम करना चाहती है, बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो फॉरेन एक्सचेंज का जो लॉ है, उस लॉ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, उसके प्रोविजंस में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाए। तो इसी सोच के साथ गवर्नमेंट ने फिर फेमा को इंट्रोड्यूस किया। तो फेमा जो पहले था फेरा 1973 और उससे पहले था फेरा 1947। तो पहले नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, और फिर बना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस। क्यों इंट्रोड्यूस किया फेमा को, क्यों इंट्रोड्यूस किया जब पहले से फेरा था? रीजन देखो, फेरा का ऑब्जेक्टिव क्या था? फेरा का जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव था किसी भी तरीके से ना फॉरेन एक्सचेंज के रिसोर्सेज को क्या करना है, कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। फेरा का ऑब्जेक्टिव ये था कि फॉरेन एक्सचेंज ना लोग लेना, मिनिमम विड्रॉल हो फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, आप बात समझ रहे हो? बस हमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में और आए, इसके ऊपर फोकस कम था फेरा का। इसके ऊपर फोकस कम था, फोकस इस बात से था कि जो भी हमारे पास, जितना भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है किसी भी सोर्स से, उसको क्या करना, उसको कंजर्व करना है, उसको बचा के रखना है। लेकिन फेमा का ऑब्जेक्टिव पूरा चेंज हुआ। फेमा का ऑब्जेक्टिव क्या आया कि प्रमोट करना है ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये फेमा ने फिर क्या किया, फेमा ने एक लिबरल अप्रोच दी।
कंजर्वेटिव अप्रोच किसकी थी? देखो फेरा में कंजर्वेटिव अप्रोच थी, और उस कंजर्वेटिव अप्रोच में सिर्फ ये बोला गया था कि हमें तो किसी भी तरीके से लोगों को इस बात के लिए डिस्करेज करना है कि लोग जो है वो फॉरेन एक्सचेंज कम डिमांड करें, कम यूज करें, इंडिया से पैसा ले जाकर बाहर खर्च ना हो, हमें फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में जो पेमेंट है वो मिनिमम करना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट का देखो फेरा में इस बात पे फोकस नहीं था कि किस तरीके से हम नए नए सोर्सेस जनरेट करें जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में आए। गेटिंग माय पॉइंट? फेरा का फोकस ये नहीं था कि नए नए सोर्सेस जनरेट करना, लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल करवा देना, फॉरेन एंटिटीज को इनकरेज करना कि इंडिया में आकर वो काम करें। लेकिन फेमा ने इसके बिल्कुल अपोजिट व्यू लिया और ये कहा कि हमें किसी भी तरीके से ना डेवलप करना है, तो प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हमें क्या करना है? डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट जो ऑब्जेक्टिव था वो फेमा का था, कंजर्वेटिव जो अप्रोच थी वो फेरा में थी। किसमें थी? फेरा 1973। तो ये फेरा की अप्रोच थी और ये फेमा की अप्रोच, या वी कैन से ऑब्जेक्टिव। तो उसका था टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन और इसमें था टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। फेरा कंट्रोल करता था और उसने कहा मैनेज करना है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को। फेरा में तो ना अगर किसी ने फेरा का अगर किसी ने वॉयलेशन किया है तो सबसे पहले हम बोलते थे कि वो जो ऑफेंस होता था उसमें आप क्रिमिनल ऑफेंस उसे कंसिडर किया जाता था। फेरा का वॉयलेशन करने पे इट यूज टू बी एन क्रिमिनल ऑफेंस, जरा सोच के देखिए, ठीक है। और आई स्टिल रिमेंबर मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था कि इंडिया का सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेस्ट जो लॉ था वो फेरा ही था। लेकिन फेमा ने क्या कहा? फेमा ने कहा मैनेज करना है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस को। फेरा ने कहा हमें सिर्फ उनका मैनेजमेंट करना है। फेरा ने जहां क्रिमिनल ऑफेंस बनाया था, फेमा ने कहा कि नहीं, अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होंगे, अब ये सिविल ऑफेंस होंगे। फेरा में तो विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट करने की अथॉरिटी थी, लेकिन फेमा ने उस अथॉरिटी को भी हटा दिया कि यू कैन नॉट अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ए वारंट, विदाउट ए प्रॉपर वारंट। तो कहां फेरा का वॉयलेशन करने पर विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता था और क्रिमिनल केस चलता था, फेमा में बिल्कुल उसका अपोजिट व्यू लिया गया और बना दिया गया ऐसे ऑफेंसेस को ओनली सिविल ऑफेंस। इज दैट क्लियर? क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस, कंजर्वेटिव अप्रोच, लिबरल अप्रोच। वो कंट्रोल करता है और फेमा मैनेज करता है। फेरा में देर वर 81 सेक्शंस। सेक्शंस कितने थे? 81 सेक्शंस थे और फेमा में आए 49 सेक्शंस। फेरा में कितने सेक्शंस? 81 सेक्शंस और फेमा में आए देर वर 49 सेक्शंस। इज दैट क्लियर? ये जो 49 सेक्शंस है ये 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। नाउ फेरा ने कहा कंपाउंडिंग नहीं होगा, किसी भी ऑफेंस का कंपाउंडिंग नहीं होगा, बट फेमा ने कहा कंपाउंडिंग इज अलाउड। फेरा ने कहा कंपाउंडिंग नहीं होगा, लेकिन फेमा ने कहा कंपाउंडिंग इज अलाउड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग? अब ये कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, ठीक है? तो अब इस कंपाउंडिंग को समझते हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने आज के टाइम में अगर फेमा का वॉयलेशन किया है, फेमा के प्रोविजंस का वॉयलेशन किया है, सो इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, राइट, उसे ट्राइब्यूनल बोल दो, कोर्ट बोल दो, उसे एक ऑप्शन मिलेगा ट्राइब्यूनल या कोर्ट की तरफ से कि अगर आपको इम्प्रिजनमेंट में नहीं जाना है, जेल में नहीं जाना है, तो आपको एक फाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली एक मॉनिटरी फाइन लगाकर किसी पर्सन को जेल जाने से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। सो इंस्टेड ऑफ, राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जेल, वो पर्सन क्या कर सकता है? एक फाइन पे कर दे कोर्ट को, तो उससे क्या होगा, वो कंपाउंडिंग अलाउड हो जाती है। तो कंपाउंडिंग के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग के कुछ प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, जिनकी बात आगे करेंगे जब कंपाउंडिंग का टॉपिक आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। कंपाउंडिंग का मतलब अगर इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर फाइन चार्ज कर लिया जाए। लेकिन कंपाउंडिंग की जो पावर होती है ना, ये हर सेक्शन में और हर एक्ट में नहीं होती, क्योंकि फेमा सिविल नेचर का लॉ है, क्रिमिनल नेचर का लॉ नहीं है।
और जो बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं ना, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, उनमें कभी भी कंपाउंडिंग नहीं होती, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उनमें कंपाउंडिंग नहीं होती है। जब भी आप लॉ में कंपाउंडिंग का प्रोविजन पढ़ते हो तो कंपाउंडिंग का जो प्रोविजन आता है वो नॉर्मली सिविल केसेस में ही आता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया डिफरेंस कि फेरा और फेमा का क्या डिफरेंस है? और फेमा इंट्रोड्यूस करने के बाद ही इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है वो डेवलप हुआ है। जितना भी डेवलप हुआ है वो फेमा के बाद ही हुआ है। जो भी चेंजेस आए हैं वो फेमा के बाद में आए हैं। जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं वो फेमा के बाद में आए हैं, ठीक है। फेमा ने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी दिए, ऑथराइज्ड पर्सन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। तो जो नए कॉन्सेप्ट्स फेमा ने दिए, हम उन नए कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे आगे इसी चैप्टर में। इज दैट क्लियर? सो डिफरेंस इज क्लियर, एक क्रिमिनल लॉ था, एक सिविल लॉ। आई होप सारे डिफरेंसेस क्लियर हैं आपको। आगे चलते हैं। नाउ इंडिया में ना ऐसे कौन कौन से फेमस सेलिब्रिटीज हैं जिनके अगेंस्ट में फेमा में केस चल रहा है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1989 में किन किन लोगों के अगेंस्ट में केस चला है या चल रहा है? तो देखो, मैं अगर आपके इंटरेस्ट के लिए, राइट, आपको थोड़ा सा आपके माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अबाउट दिस टॉपिक, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। ये देखो, इन एग्जाम्पल्स को देखो। बाबा रामदेव, योग गुरु, शाहरुख खान, ललित मोदी जो आईपीएल के कमिश्नर थे, ललित मोदी ने ही आईपीएल को स्टार्ट किया था। फिर सिंगर मीका जिनके पास एयरपोर्ट पे परमिशन से ज़्यादा फॉरेन करेंसी मिली थी। उसके बाद विजय माल्या के ऊपर अगेन केस चल रहा है। नीरव मोदी, पीएनबी स्कैम किया, नीरव मोदी अगेंस्ट भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा के वॉयलेशन का केस चल रहा है। तो ये कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, राइट। बाबा रामदेव ने बेसिकली एक आइलैंड बाबा रामदेव को मिला था योग के पर्पज़ से, ठीक है। एक प्रॉपर्टी उन्हें इंडिया के बाहर मिली थी जिसका केस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर उनके ऊपर चला था। इसी तरीके से शाहरुख खान के ऊपर भी आईपीएल की फ्रेंचाइजी से रिलेटेड एक फेमा का केस शाहरुख खान के अगेंस्ट में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रजिस्टर किया था। ललित मोदी ने भी आईपीएल से रिलेटेड ही कुछ स्कैम्स किए थे, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है, ठीक है। तो जो पुलिस की चार्जशीट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो चार्जेस लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर इनमें से कोई आपका फेवरेट है तो आप जान लो, या इनमें से किसी में भी आपको इंटरेस्ट है, लेट्स से आपको विजय माल्या बहुत पसंद है या आपको नीरव मोदी बहुत पसंद है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके अगेंस्ट में भी फेमा में केस चल रहा है। इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं फेमा का वॉयलेशन किया, ऐसा इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं या केसेस रजिस्टर हुए हैं। केस में कौन कन्विक्ट हुआ, कौन एक्विटल हुआ, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दिखाना था, वो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो बात करें आगे फेमा की। नाउ अब ज़रा ये समझते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जो फेमा के अंडर काम करते हैं। अगर किसी ने फेमा का वॉयलेशन किया है तो कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा? अगर फेमा के लिए रेगुलेशंस बनानी है तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है? लाइसेंसेज अगर इशू करने हैं अंडर फेमा तो उसके लिए कौन से डिपार्टमेंट को अप्रोच किया जाएगा, राइट। अगर पॉलिसीज फ्रेम करनी है तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा? ये बातें अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इनका भी एग्जाम्पल देता हूँ। नाउ लुक एट देम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, ठीक है। इन तीन डिपार्टमेंट्स को आप ध्यान से समझ लीजिए और इन्हें याद रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि फेमा की रेगुलेशंस फ्रेम करता है, रूल्स फ्रेम नहीं करता, रेगुलेशंस फ्रेम करता है। रूल्स फ्रेम क्यों नहीं करता? क्योंकि रूल्स फ्रेम करने की जो पावर है वो आरबीआई के पास में ही नहीं है। आरबीआई इज बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं, तो उस इम्प्लीमेंटेशन में इन तीन डिपार्टमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एंड तीसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। जितने भी फेमा के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके पास? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कहते हैं, या हिंदी में जिसे प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है।
आप अगर कभी ऐसा कोई केस सुनो जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व हो, जिसमें फेमा इन्वॉल्व हो, जिसमें हवाला इन्वॉल्व हो या फिर जिसमें कोई फाइनेंशियल स्कैम इन्वॉल्व हो, अगर आप ऐसे किसी भी स्कैम के बारे में सुनोगे ना, तो वहाँ आप डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में ज़रूर सुनते हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो फेमा में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का, इन्वेस्टिगेशन करने में, चार्जेस फ्रेम करने में, कंपाउंडिंग में, उन सब की बात हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। राइट, तो समझ में आ गया, आरबीआई, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ओके, अब यहां से आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा? फेमा का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सटर्नल पेमेंट को क्या करना है? प्रमोट करना है, एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करना है। हर बार गवर्नमेंट की ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से हमारे एक्सपोर्ट को डबल किया जाए, एक्सपोर्ट को 3 गुना किया जाए, एक्सपोर्ट को 4 गुना किया जाए। क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊं, मैं सिंस माई चाइल्डहुड, जब मैं स्कूल में था तब से मैं सुनता आ रहा हूं दैट इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, यूएसए इज़ ए डेवलप्ड कंट्री, यूके इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? यूके डेवलप्ड, यूएसए डेवलप्ड, चाइना डेवलप्ड, बट इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग। तो मैं पिछले 25 सालों से ये बात सुनता आ रहा हूँ कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, बट आई रियली होप कि आने वाले सालों में ऐसा ना हो और हमें ये सुनने को मिले कि इंडिया इज़ ए डेवलप्ड कंट्री, नॉट ए डेवलपिंग कंट्री, नो मोर ए डेवलपिंग कंट्री, नाउ इंडिया इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। लेकिन ये डेवलप्ड कंट्री का टैग हमें कब मिलेगा? ये डेवलप्ड कंट्री का टैग हमें तब मिलेगा जब हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो हमारे इम्पोर्ट से ज़्यादा हों। ज़्यादा क्या हो? मेरा तो ये मानना है कि 100 टाइम्स होने चाहिए, हमारे एक्सपोर्ट हमारे इम्पोर्ट का 100 टाइम्स होना चाहिए। अभी इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी नहीं है, अभी तो इनफैक्ट नेगेटिव है। हम जितना इम्पोर्ट करते हैं उससे कहीं कम हम एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ ए मेजर इशू जिसकी वजह से हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर पा रही। और अगर सोचो कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगेगा तो उसके क्या क्या अच्छे रिजल्ट्स होंगे, जो अभी आप देखते हो कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना, रुपया जो गिर रहा है एज कंपेयर टू डॉलर, वो फिर नहीं होगा। तो इसीलिए इसी सोच के साथ इस एक्ट को शुरू किया गया था कि फैसिलिटेट करना है एक्सटर्नल पेमेंट को, एक्सटर्नल ट्रेड को, एंड प्रमोट करना है ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड ऑर्डरली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली मीन्स फॉरेन करेंसी। तो डॉलर, पाउंड, ये सब क्या है? ये सब फॉरेन करेंसी है। और ये जो फॉरेन करेंसी है, इसी को हम बोलते हैं क्या? फॉरेन एक्सचेंज। एक सिंपल सा मैंने आपको मीनिंग बताया है। अगर कोई पूछे कि फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है, तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। एंड फॉरेन करेंसी के एग्जाम्पल क्या है? डॉलर है, पाउंड है, ये सब, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और इंडिया में हम चाहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट को प्रमोट करना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा। तो फेमा कितने चैप्टर्स है फेमा में? देखो, देर आर 7 चैप्टर्स डिवाइडेड इंटू 49 सेक्शंस। फेमा के ना एक एक प्रोविजन को समझने से पहले, राइट, फेमा की टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फेमा के इंट्रोडक्शन को तो समझ लें कि कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं। देखो, मैंने पहले बताया था आपको दैट देर आर 7 चैप्टर्स डिवाइडेड इंटू 49 सेक्शंस। उसके बाद देर आर 5 सेट्स ऑफ रूल्स मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर सेक्शन 46 ऑफ फेमा। 49 सेक्शंस हैं और जो सेक्शन 46 है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये पावर है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फेमा के लिए रूल्स फ्रेम कर सकता है। रूल्स फ्रेम करने से मुझे कुछ याद आया है अभी, जिसके बारे में आपको बात करूंगा अभी मैं। फिर इसके अलावा देर आर 23 सेट्स ऑफ रेगुलेशंस, देर आर 23 सेट्स ऑफ रेगुलेशंस मेड बाय आरबीआई अंडर सेक्शन 47 ऑफ फेमा, जिसको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन सा है फेमा में? देखो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिर डेलीगेटेड कौन सा है? डेलीगेटेड इज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में पावर है। देन इफ आई टॉक अबाउट सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो वो आता है कौन सा? तो उसमें कवर होता है आरबीआई अंडर सेक्शन 47 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल मुझे आपको क्लियर करना था कि टाटा और डोकोमो का एक डिस्प्यूट हुआ था।
टाटा और डोकोमो दोनों में पहले जॉइंट वेंचर था, उसके बाद डोकोमो ने उस जॉइंट वेंचर से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। डोकोमो इज़ ए जापनीज कंपनी और टाटा डोकोमो जो टेलीकॉम सेक्टर में एक साथ काम कर रहे थे, तो उनका जो एग्रीमेंट था, एज पर एग्रीमेंट टाटा को डोकोमो को कुछ पेमेंट करनी थी, टाटा को डोकोमो को कुछ पेमेंट करनी थी, लेकिन उस पेमेंट के लिए परमिशन नहीं दी किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने उसके लिए परमिशन देने से मना कर दिया था, क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ना, वो एग्रीमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस को वॉयलेट करते हुए हुआ था। टाटा और डोकोमो, जिनमें वर्ल्ड की बेस्ट लीगल टीम्स काम करती हैं, फिर भी इन कंपनीज की लीगल टीम ने लॉ के इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी। और टाटा पेमेंट करना चाहती थी डोकोमो को, क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट ये हुआ था कि डोकोमो अगर एक फिक्स टाइम के पहले, एक फिक्स ड्यूरेशन से पहले अगर उस बिजनेस से विड्रॉ करती है, तो टाटा जो है वो डोकोमो का स्टेक वापस खरीद लेगा। डोकोमो ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको टाटा वापस खरीद लेगा। टाटा उसे वापस खरीदने में इंटरेस्टेड था, आरबीआई को अप्रोच किया, लेकिन आरबीआई ने इसके लिए पहले मना कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले इसके लिए मना कर दिया, और उसके बाद आरबीआई ने, जब टाटा ने रिक्वेस्ट करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, हमें इसके लिए बात करनी पड़ेगी। किससे? हमें इसके लिए बात करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अप्रोच किया गया, तब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मना कर दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि ऐसा कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं किया जा सकता फॉर द कंपनी कॉल्ड टाटा एंड डोकोमो, उनके लिए लॉ में ऐसा कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शन क्रिएट करने की रिक्वेस्ट इन दो कंपनीज ने दी थी, लेकिन उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। बाद में ये मैटर आर्बिट्रेशन में गया, लंदन में गया, लंदन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मैटर गया, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में आया, बाद में ये मैटर रिजॉल्व हो गया था। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको देकर बता रहा हूँ कि फेमा की क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरीके से अगर फेमा का गलत इंटरप्रिटेशन होता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो तीन तरह की लॉ मैंने आपको बताए, सुप्रीम, डेलीगेटेड एंड सबॉर्डिनेट। सुप्रीम, डेलीगेटेड एंड सबॉर्डिनेट। सुप्रीम का एग्जाम्पल क्या है? फेमा एक्ट खुद जो स्टेच्यूट है। डेलीगेट का एग्जाम्पल है रूल्स, उस डेलीगेट का एग्जाम्पल आ गया रूल्स। उसके बाद सबॉर्डिनेट का एग्जाम्पल है 23 सेट्स ऑफ रेगुलेशन जो कि आरबीआई इंट्रोड्यूस करता है अंडर सेक्शन 47। 49 सेक्शंस, 46 में रूल्स बनाने की पावर है एंड 47 में रेगुलेशन बनाने की पावर है। याद हुआ? आई एम श्योर याद हुआ होगा। उसके बाद नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मास्टर सर्कुलर। अब आपको पता है, बहुत से लोगों को, इनफैक्ट मेजोरिटी को नहीं पता कि ये मास्टर सर्कुलर होता क्या है और फेमा में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो जरा, मास्टर सर्कुलर आरबीआई इशू करता है हर साल, लेकिन कब इशू करता है ये भी नहीं पता। इसके बारे में भी अभी मैं अलग से बात करूंगा कि आरबीआई इसको कब इशू करता है और इसकी वैलिडिटी कब तक होती है। तो मास्टर सर्कुलर जो भी है, मास्टर सर्कुलर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। इसके साथ साथ फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस करूं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कौन इशू करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन टाइम टू टाइम। डीआईपीपी का अब नाम चेंज हो चुका है, ये मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूं। सो ये पुराना नाम मैं आपको डीआईपीपी का बता रहा हूं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। दिस इज द ओल्ड नेम, नाउ द नेम हैज बीन चेंज्ड। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, FDI पॉलिसी, जिसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। फिर नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर भी कौन इशू करता है? RBI इशू करता है। तो अब आपको रोल क्लियर हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल है फेमा में, आरबीआई का क्या रोल है, मास्टर सर्कुलर निकालना आरबीआई का काम, रेगुलेशन बनाना फेमा का आरबीआई का काम, रेगुलेशन फ्रेम करना भी आरबीआई का काम, उसके बाद नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स निकालना भी आरबीआई का काम होता है। सर्कुलर दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी सर्कुलर्स होते हैं और दूसरे मास्टर सर्कुलर होता है। एक ऑर्डिनरी सर्कुलर और एक मास्टर सर्कुलर। जब हम फेमा की बात करते हैं तो वहाँ दोनों तरह के सर्कुलर्स को आरबीआई ही इंट्रोड्यूस करता है। फिर आया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ओके नाउ, अब रूल्स और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है जरा उसको भी देख लेते हैं। रूल्स हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, हमेशा किसी भी लॉ में, और रेगुलेशन फेमा की जब मैं बात करूं तो आरबीआई बनाता है।
जब हम सेबी के लॉ के बारे में बात करते हैं ना, तो सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रेगुलेशन बनाने का राइट है, रूल्स बनाने का राइट नहीं है। तो रूल्स बनाने का राइट किसके पास में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेबी के पास में क्या राइट है? रेगुलेशन बनाने का। आईआरडीए के पास में राइट है रेगुलेशन फ्रेम करने का, बट आईआरडीए के पास राइट नहीं है रूल्स बनाने का। रूल्स बनाने की पावर किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कंपनीज एक्ट में हम एक्ट भी देखते हैं और हम रूल्स भी देखते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट में कोई रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन फेमा में एक्ट भी आता है, रूल्स भी आते हैं और उसके साथ साथ रेगुलेशंस भी आती हैं। इज दैट क्लियर? रूल्स, रेगुलेशंस एंड एक्ट, ठीक है। रूल्स प्रोवाइड द ब्रॉड आउटलाइंस फॉर द एक्ट, ब्रॉड आउटलाइन देती है, एंड रेगुलेशन प्रोवाइड द प्रोसीजरल एस्पेक्ट। तो देखो रेगुलेशन में क्या लिखा होता है ये आपके सामने है, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है ऑफ बोथ द एक्ट एंड द रूल्स प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स आर मेड ओनली इन परसुएंस ऑफ द एक्ट, रेगुलेशन आर मेड इन परसुएंस ऑफ बोथ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। समझ में आई मेरी बात? रूल्स कौन बना रहा है? रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, रेगुलेशन आरबीआई बना रहा है, जब फेमा की बात कर रहे हैं। रूल्स आर मेड ओनली इन परसुएंस ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशन आर मेड इन परसुएंस ऑफ बोथ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? नाउ अब हमने एक टर्म देखी थी, मास्टर सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई। इस मास्टर सर्कुलर का क्या मीनिंग है जरा इसको तो समझ लें। सो आरबीआई हैज इवॉल्व्ड ए वेरी गुड सिस्टम ऑफ मास्टर सर्कुलर, और पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दीज आर कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस, दीज आर कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मैं आपको इस चीज के लिए बोलूंगा कि आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर ना आरबीआई के मास्टर सर्कुलर को ज़रूर चेक करना, क्योंकि जब आप फेमा से रिलेटेड आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर आरबीआई के मास्टर सर्कुलर देखोगे ना, तो आपके माइंड में और क्लियरिटी आएगी। सो इसका मीनिंग क्या है? कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस किसके ऊपर? ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। द मास्टर सर्कुलर्स आर इशूड इन जुलाई। कब इशू होते हैं? देखो जुलाई में इशू होते हैं हर साल, एंड हैव ए सनसेट क्लॉज। इसका मतलब दे आर वैलिड अप टू 30th June नेक्स्ट ईयर। जुलाई में आएंगे और अगले साल के जून तक के लिए वैलिड होते हैं। इफ सम चेंजेस हैव बीन इफेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, दीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन द मास्टर सर्कुलर विच इज इशू नेक्स्ट ईयर। कोई चेंज आएगा तो भी नेक्स्ट ईयर इशू होते हैं। दस ए पर्सन हैज टू बी कीप ट्रैक ऑफ मास्टर सर्कुलर्स एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस मेड थ्रू सर्कुलर्स ड्यूरिंग द ईयर इफ एनी। इज दैट क्लियर? तो जुलाई से लेकर जून तक आरबीआई जो है वो कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन फेमा रिलेटेड ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इशू करता है, उसे ही मास्टर सर्कुलर कहा जाता है। आई मेरी बात समझ में? आगे चलूं? ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन आता है कि फेमा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। मैं बोलूंगा ये पूछो फेमा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। फेमा तो इंडिया से बाहर भी एप्लीकेबल है। हाँ अब देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फेमा अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। तो आप मुझे बोलोगे सर अब तो सारे के सारे एक्ट होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होते हैं ना, अब तो जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया है। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पूछ लिया है। तो देखो आंसर ये है कि फेमा जो है ना दिस अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, सिर्फ फेमा की मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 370 हटने से पहले भी फेमा जो था वो होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल था। दूसरा पॉइंट, ऑल ब्रांचेस ऑफिसेस एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये पीआरआई क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। जब हम पीआरआई की डेफिनेशन की बात करेंगे ना तब हम इसकी बात करेंगे। सो ऑल ब्रांचेस ऑफिसेस एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके फिर लिखा हुआ है सिटीजन्स ऑफ इंडिया who are outside India unless they are resident of India। तो citizens of India के ऊपर applicable होता है unless they are resident of India। ये तीन aspects हैं, तीनों aspects को समझ लेते हैं। तो तीनों aspects को समझते हैं। देखो सबसे पहला aspect हमने देखा
दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। उसके बाद में देखो एक सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, ऑल ब्रांचेस ऑफिसेस एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया, ब्रांचेस ऑफिसेस एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। चलो ठीक है, मैं ये बोल देता हूँ, लेट से PRI है, टाटा मोटर इज ए PRI, PRI का मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। नाउ टाटा मोटर्स ने एक्वायर कर लिया, किसको एक्वायर कर लिया, टाटा मोटर्स ने एक्वायर कर लिया जगुआर लैंड रोवर को, एक्वायर कर लिया, इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। तो अगर इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर कर रही है, खरीद रही है, ओनरशिप उसके ऊपर क्रिएट कर रही है, तो वो जो फॉरेन कंपनी है जो कि अब इंडियन कंपनी बन गई है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इज दैट क्लियर। उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा। इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट दैट सच ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ऊपर भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, क्योंकि उसको कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया से, इज दैट क्लियर, बिकॉज सच ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, PRI कंट्रोल कर रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कंट्रोल कर रहा है। इसको समझने के लिए ना कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसको समझने के लिए लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। ये देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, इसी को समझाने के लिए जो हमारा सेकेंड पॉइंट था, ब्रांचेस ऑफिसेस, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखना, राइट एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। नाउ देयर इज ए कंपनी कॉल्ड ABC लिमिटेड एक कंपनी है, इस कंपनी का ऑफिस कहाँ है, दुबई में है, इज दैट क्लियर। नाउ ABC लिमिटेड इज ए कंपनी और कंपनी का ऑफिस जो है दैट इज लोकेटेड इन दुबई, तो क्या इसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल होगा या इसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका आंसर करना, ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपको करना है। देखो PRI का क्या मीनिंग है ये बाद में समझ लेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, PRI मीन्स पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। नाउ तो क्या इसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल होगा, आंसर इज नो, और वी कैन से नॉट एप्लीकेबल, उसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नाउ ये तो था पहला एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दी सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा ABC लिमिटेड का, जिसके लिए आपने कहा कि फेमा इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, नाउ ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ कि एक दूसरी कंपनी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक ए डिफरेंट कंपनी, ठीक है। नाउ जब मैं दुबई गया तो वहां मैंने एक कंपनी देखी इमार, ठीक है, एक कंपनी मैंने दुबई में देखी इमार लिमिटेड, और इमार लिमिटेड जो कंपनी है वो दुबई में बेसिकली उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया है, बुर्ज खलीफा में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, बुर्ज खलीफा के कंट्रीब्यूशन में, कंस्ट्रक्शन में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने बुर्ज खलीफा और उसके आसपास मैंने सी बहुत सारी मैंने बिल्डिंग्स देखी, कमर्शियल मैंने प्रॉपर्टीज देखी, जिन प्रॉपर्टीज में मैंने देखा इमार लिखा हुआ है। इमार इंडिया में भी कंस्ट्रक्शन करता है, अगर आप दिल्ली NCR में देखोगे तो दिल्ली NCR में भी इमार के बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं जो कि इमार ने बनाए हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स इमार ने इंडिया में बनाए हैं। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि इमार लिमिटेड जो कंपनी है वो दुबई में है, लेकिन इस कंपनी का जो एब्सोल्यूट ओनर है, इस कंपनी का जो उसकी शेयर होल्डिंग है वो किसके पास में है, इसके सारे की सारी जो शेयर होल्डिंग है वो है संयोग व्यास लिमिटेड नाम की कंपनी के पास, ठीक है। तो देखो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको
इमार लिमिटेड कंपनी को, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है संयोग व्यास लिमिटेड नाम की कंपनी, तो क्या इसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, इसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जितने भी आपके ब्रांचेस या डिविजन्स होंगे, जितने भी आपके ब्रांचेस या डिविजन्स हैं जो कि इंडिया के बाहर हैं लेकिन अगर इंडिया से कंट्रोल हो रही हैं, क्योंकि संयोग व्यास लिमिटेड जो कंपनी है दैट इज़ ए PRI, ये क्या है? PRI है। अभी सिर्फ ये समझ लो कि ये PRI है। हम PRI या PROI का पता कैसे लगाते हैं? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, तो मैं इसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, तो मैं इसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कर देता हूँ। नाउ अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किया, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और आप मुझे बताना कि इस एग्जाम्पल में स्टेटस क्या होगा, PRI होगा या PROI होगा। नाउ देर इज़ ए कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि USA में है, जिसके फाउंडर बिल गेट्स हैं। इनकी एक ब्रांच जो है वो इंडिया में है। ब्रांच कहाँ है इनकी? इंडिया में है। सो सिंस इनकी जो ब्रांच है वो इंडिया में है, तो क्या अब इसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल होगा? तो हम बोलेंगे देखो जो इंडिया की जो ब्रांच है ना, जो इंडिया की जो ब्रांच है उसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल होगा। यस, अगर किसी फॉरेन एंटिटी ने इंडिया में भी अपनी कोई ब्रांच स्टैब्लिश की है, कोई प्रोजेक्ट ऑफिस स्टैब्लिश किया है, कोई लाइजन ऑफिस स्टैब्लिश किया है, तो उसके ऊपर भी फेमा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ऑफिस कहाँ ओपन कर लिया? ऑफिस उन्होंने ओपन कर लिया इंडिया में, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ऑफिस ओपन किया है इसलिए फेमा वहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, लेट्स लुक एट द सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है बट अच्छे से समझना, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल ये है कि नाउ देर इज़ ए कंपनी कॉल्ड, अब मैं एक और बात करता हूँ कि दुबई बेस्ड एक कंपनी है, राइट, लेट्स से कंपनी का नाम है अल हबीबी लिमिटेड, ये एक दुबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है। नाउ क्योंकि इंडिया की कोई भी डिवीजन इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही, तो इसका स्टेटस क्या होगा वो भी मैं आपको ये बताऊंगा। इंडिया की कोई PRI इसके ऊपर कंट्रोल क्रिएट नहीं कर रखा अभी किसी PRI ने। सो अल हबीबी एक कंपनी है दुबई की, मान लो लेट्स से दुबई बेस्ड कंपनी है, इस अल हबीबी कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस है वो इंडिया में है। ब्रांच ऑफिस कहाँ है? इंडिया में है। इज दैट क्लियर? अब जो इंडिया में जो इनका ब्रांच ऑफिस है ना, इंडिया में जो इनका ब्रांच ऑफिस है, सच ब्रांच ऑफिस कंट्रोल्स, वो ब्रांच ऑफिस क्या करता है? वो ब्रांच ऑफिस कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? इनके जो ऑफिसेस हैं कौन कौन से ऑफिसेस ये देख लो। सो दे हैव ऑफिसेस, इनके इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज में ऑफिसेस हैं। इन्होंने एक इंडिया में जो ऑफिस बनाया है, नाउ इनका इंडिया ऑफिस जो है दैट कंट्रोल्स, ठीक है, इनका एक थाईलैंड में ऑफिस है, राइट, दे हैव एन ऑफिस इन थाईलैंड, नाउ दे हैव वन ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया में जो इनका काम होता है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ थाईलैंड का ऑफिस बोल दिया हमने, ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस बोल दिया, और फिर हमने बोल दिया कि मान लो इनका दे हैव वन ऑफिस इन न्यूजीलैंड,
ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इंडिया की जो ब्रांच है वो कंट्रोल कर रही है कौन से ऑफिस को, थाईलैंड के ऑफिस को, ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस को, न्यूजीलैंड के ऑफिस को। अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां बनता है कि बताओ इनमें से किसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल होगा और किसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल नहीं होगा, इस बात को हमें एड्रेस करना है। इज इट क्लियर? इनमें से कौन सी ब्रांच के ऊपर फेमा एप्लीकेबल होगा? अल हबीबी लिमिटेड, जो कि एक दुबई बेस्ड कंपनी है जिसको कोई पीआरआई कंट्रोल नहीं कर रहा है, कर रहा, तो हम बोलेंगे नहीं, उसके ऊपर तो फेमा एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है, इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि अल हबीबी लिमिटेड अगर इंडिया में आकर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेगी ना, अपना ब्रांच ऑफिस खोलेगी, प्रोजेक्ट ऑफिस खोलेगी, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से। विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई दे कैन नॉट ओपन, दे कैन नॉट ओपन देयर ऑफिस इन इंडिया। तो अगर कोई फॉरेन एंटिटी इंडिया में आकर अपना ऑफिस स्टैब्लिश करती है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे पहले हमारी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल्स क्रिएट किए। देखो, नाउ ब्रांच ऑफिस इंडिया में है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, हाँ ऑब्वियसली उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये जो एक्ट है ये तो होल ऑफ इंडिया अप्लाई होता है। अब आप बोलोगे सर ब्रांच ऑफिस तो फॉरेन की कंपनी का है। आई एग्री, फॉरेन की कंपनी का ब्रांच ऑफिस है, लेकिन इंडिया में ऑफिस है ना उसका, अगर उसका इंडिया में ऑफिस है तो उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब जो इंडिया में जो ब्रांच ऑफिस है जिसको हम बोलेंगे पीआरआई इज नॉट कनेक्टेड विद सिटीजनशिप। पीआरआई का सिटीजनशिप के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नाउ पीआरआई जो है वो कंट्रोल करता है उनके थाईलैंड ऑफिस को, उनका जो ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है उसको भी कंट्रोल करता है, और उनका जो न्यूजीलैंड में ऑफिस है उसको भी कंट्रोल करता है। तो इंडियन ऑफिस से उनकी कंपनी का जो इंडिया में जो ऑफिस है वो तीन और कंट्रीज के ऑफिसेस को कंट्रोल करता है। तो इनके ऊपर क्या फेमा एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, इनके ऊपर भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंडिया का एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये कंट्रोल कहाँ से हो रहे हैं, ये इंडिया से, पीआरआई जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए फॉरेन में भी ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? जब मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया उसमें मैंने लिखा एबीसी लिमिटेड दुबई, और ये कंपनी सिर्फ दुबई में काम कर रही है, इसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, इसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, दुबई बेस्ड कंपनी को कोई इंडिया बेस्ड कंपनी कंट्रोल कर रही है, उसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल होगा। इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस ओपन किया है तो वहाँ पे भी फेमा एप्लीकेबल होगा। इंडिया की ब्रांच से थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंट्री के ब्रांच ऑफिसेस को आप कंट्रोल कर रहे हो, उस केस में भी फेमा एप्लीकेबल होता है। समझ में आया प्रोविजन? समझ में आई इस बात की टेक्निकलिटी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे? सो दिस इज हाउ यू कैन जज कि फेमा कौन कौन से केस में एप्लीकेबल होता है और कौन कौन से केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे कि रणवीर सिंह, हरभजन सिंह, ठीक है, दोनों वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया वर्ल्ड कप हार गई अनफॉर्चुनेटली। तो जब रणवीर सिंह और 2019 के वर्ल्ड कप में दोनों गए, लंदन गए, एक फिल्म की शूटिंग के लिए गया और दूसरा कमेंट्री करने के लिए गया, तो जब इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर घूमने के लिए जाएगा तो उस केस में क्या फेमा एप्लीकेबल होगा? यस, उस केस में फेमा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सिटीजन अगर इंडिया के बाहर भी जाता है तो उस केस में, अनलेस दे आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, फेमा एप्लीकेबल होता है। नाउ अगला एक पॉइंट आता है, सस्पेंशन ऑफ एक्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। तो फेमा के लिए नॉर्मली कहा गया है इट इज कंसिडरेबली लिबरलाइज प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरन एक्सचेंज, हाउएवर समटाइम्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन मे अराइज, ऐसा प्रोविजन क्रिएट किया गया है किसमें, सेक्शन 40 ऑफ द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन सच ए केस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ एनी और ऑल प्रोविजंस ऑफ फेमा। सेंट्रल गवर्नमेंट या तो किसी एक या ऑल प्रोविजंस ऑफ फेमा को पब्लिक इंटरेस्ट में हटा सकती है नोटिफिकेशन निकाल के। द सस्पेंशन कैन बी रिलैक्स्ड बाय इशूइंग ए नोटिफिकेशन, कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन शैल बी प्लेस बिफोर पार्लियामेंट फॉर 30 डेज। तो उसको पार्लियामेंट में फिर नोटिफिकेशन की कॉपी को प्रेजेंट करना होता है। इज दैट क्लियर? तो फेमा का सस्पेंशन पॉसिबल है, दैट टू इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। तो ये आपने देख लिया।
अफीमा का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर दी 7 चैप्टर्स ऑफ फेमा, ठीक है। जो फेमा के ऑपरेशनल प्रोविजंस हैं वो सिर्फ यहाँ तक लिखे हुए हैं, सेक्शन 12 तक। सेक्शन 12 तक सिर्फ ऑपरेशनल पार्ट कवर होता है, और सेक्शन 12 के बाद जो बाकी प्रोविजंस है फेमा के, दैट डील्स विद कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टीज, एडजुडिकेशन, अपील, एनफोर्समेंट डायरेक्टेड, वो सब कवर होते हैं बाकी के सेक्शंस में। यानी कि सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 49 तक कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टी, एडजुडिकेशन, ये वाला पोर्शन जो है ये कवर होता है। फेमा में कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं, तो रूल्स आपके सामने हैं, ये देखो, ठीक है। नाउ फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इनकैशमेंट ऑफ ड्राफ्ट, चेक इन इंस्ट्रूमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स, फिर फेम ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर फेम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स, फिर फेम एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स एंड अपील्स, कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स, अपीलान ट्राइबल फॉरन एक्सचेंज, दीज आर दी रूल्स। और अगर मैं बात करूँ अब किसकी, अब मैं बात करूँ अगर रेगुलेशंस की, तो देखो रूल पहले 5 हुआ करते थे, पहले दिस यूज टू बी 5। बुक्स में आपको अभी भी बहुत जगह 5 सेट ऑफ रूल्स देखने को मिलेगा जो अब 6 हो चुके हैं। रेगुलेशंस पहले 23 हुआ करते थे जो अब 24 हो गए हैं। एग्जाम में अगर आपने 5 सेट्स ऑफ रूल्स एंड 23 सेट्स ऑफ रेगुलेशन लिख दे तो भी गलत तो नहीं होगा वो, लेकिन जो अपडेटेड है वो आपके सामने है। दीज आर 24 सेट्स ऑफ रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रेगुलेशंस हैं, जिन रेगुलेशंस के नाम एटलीस्ट आपको, जो मैक्सिमम रेगुलेशंस के नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये रेगुलेशंस के नाम, ताकि आप अपने आंसर्स में इनको कोट कर सको। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग एंड लेंडिंग इन रुपीज, फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग और लेंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट रेगुलेशंस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी, गारंटी रेगुलेशंस, एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेशन 2000, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया ऑफ ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस या लाइजन ऑफिस रेगुलेशन 2016। तो दीज आर दी रेगुलेशंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ना एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि फेमा में जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं उन रेगुलेशंस को आपको कोट करना है। तो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, इनको मैंने नोट्स में दे रखा है, आप नोट्स में से उसको याद कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो फेमा के जो प्रोविजंस हैं, आगे की जो फेमा की कहानी है जिसमें हम फेमा के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ऑपरेशनल पार्ट को डिस्कस करेंगे, बट वो हम डिस्कस करेंगे इन दी राइट। तो नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक, तो उस टॉपिक में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ सेक्शन 1 को कवर किया, राइट। तो इस सेशन में हमने फेमा की एप्लीकेबिलिटी को समझा, फेमा के बैकग्राउंड को समझा, एप्लीकेबिलिटी को समझा, बैकग्राउंड को समझा, रूल्स, रेगुलेशंस, इनका कंपैरिजन देखा, ये सब हमने इसमें कवर कर लिया। तो अब जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का, आगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे फेमा के ऑपरेशनल पार्ट को। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई रियली होप आपको फेमा के बेसिक प्रोविजंस यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।